हेलो दोस्तों नमस्कार अगेन स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में दोस्तों तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑफ़ फार्म बिल 2020 इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था फार्म बिल 2020 को डिटेल में एनालिसिस किया था इसके तीनों बिल हमने वन बाई वन डिस्कस किए थे तो उन्हीं में से हमने एक्सपेक्टेड ट्वेंटी फाइव एम डिराइव आउट किए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए ठीक है चाहे वो नेट हो चाहे वो कहीं और एग्जाम्स भी है जिसमें इकोनॉमिक्स वगैरह यूज़ होती है करेंट जो स्कीम्स है उसमें तो आते ही हैं ठीक है सभी एग्जाम्स में तो ये मोस्टली जितने भी एग्जाम्स हैं आने वाले उन सभी में इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस चलिए तो 25 फाइव क्वेश्चन एम हम लोग फार्म बिल से रिलेटेड डिस्कस करेंगे देखते हैं कि आपको कितनी तैयारी है आपकी फार्म बिल से अपनी जो तैयारी है वो भी थोड़ा चेक कर लेना कि किस लेवल की आपकी अभी तक की तैयारी है ठीक है अगर आप यूजीसी नेट के मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हो तो मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो ठीक है ज्वाइन हमें टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना यहाँ से आपको अपडेट्स वगैरह मिल जाएंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो ठीक चलिए तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं और जितने भी ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन है इसमें से एक नोट डाउन करना कि आपके क्वेश्चन कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके करेक्ट हुए ठीक है कमेंट में पोस्ट जरूर करना कि कितने आपके करेक्ट हुए चलिए नंबर वन क्वेश्चन है फ्रॉम बिगिनिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं वैन प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद कोविंद गेव हिज एसेंट टू द द्री एग्रीकल्चर बिल टू थाउजेंड ट्वेंटी दैट विल आर रियल पासड बाई द इंडियन पार्लियामेंट ठीक है Kovid, 2020, तो कौन कौन सी डेट्स थी, थी जिसमें रामनाथ कोविंद जी ने अपनी स्वीकृति दी थी ठीक है तो वो जो दो बिल थे जो दो बिल थे बिल वन एंड बिल टू उनको तो स्वीकृति मिल गई थी ट्वेंटी फोर्थ सेप्टेम्बर को और जो एक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट था टू थाउजेंड ट्वेंटी इसको स्वीकृति मिली थी ट्वेंटी सिक्स सेप्टेम्बर को तो, तो टोटल मिला के ट्वेंटी फोर्थ सप्टेंबर एंड ट्वेंटी सिक्स सेप्टेम्बर करेक्ट आंसर है ठीक है तो यहाँ पर हम लोग सभी ऑल्टरनेटिव डिस्कस नहीं करेंगे ताकि टाइम हमारा जो है सेव हो सके ठीक है हम लोग जो करेक्ट आंसर है उसको मूव करेंगे और साथ साथ हम करेंगे एक्सप्लेनेशन भी चलिए सेकंड क्वेश्चन है नेक्स्ट हु इंट्रोड्यूस द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020 एंड फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020 इन द इंडियन पार्लियामेंट मतलब तीनों बिल किसने ये किसने ये जो तीनों बिल थे ये पेश किए ठीक है पार्लियामेंट में तो किसने बिल पेश किए ये किए नरेंद्र सिंह तोमर ठीक है यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स जो वेलफेयर के मिनिस्टर हैं ठीक है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री विद रेफरेंस टू तो द मेन प्रोविजंस ऑफ़ द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट और प्राइज एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी कंसिडर द बिलो मैंशन स्टेटमेंट जो हमने लास्ट टाइम बिल्स किए थे तीनों बिल डिस्कस किए थे तो उसमें से ये जो सेकंड बिल था ठीक है वो है जिसमें अग्रमेंट जिसमें क्या था कॉन्टैक्ट फार्मिंग का प्रोविजन था दैट इज नंबर वन फारिंग एग्रीमेंट बिल्कुल ठीक था कॉन्टैक्ट फार्मिंग था उसने नेक्स्ट वन इज मिनिम एंड मैक्सिमम पीरियड ऑफ फार्मिंग इसमें मिनिमम पीरियड भी है और मैक्सिमम पीरियड भी है फार्मिंग का ठीक है फाइव ईयर के लिए मैक्सिमम पीरियड प्राइजिंग ऑफ फार्मिंग प्रोड्यूस तो जो प्री एग्रीड प्राइस पे पहले ही डिसाइड हो जाएगा कि इस प्राइस पे हम लोग प्रोड्यूस प्रोडक्ट को खरीदेंगे ठीक है तो ये भी करेक्ट है मार्केट फी अबोलिस्ट मार्केट फी अबोलिस्ट जो है वो जो बिल वन है ठीक है जो कॉमर्स एंड ट्रेड वाला बिल है ये उसका पार्ट है तो first second and three, ये फर्स्ट सेकंड एंड थ्री ये बिल सेकंड के पार्ट है दैट मीन्स फर्स्ट सेकेंड एंड थ्री जो है वो करेक्ट है ठीक है थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी तो इसके अंतर्गत जो सेकंड बिल था उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं फार्मिंग एग्रीमेंट आता है मिनिमम पीरियड ऑफ फार्मिंग आता है मैक्सिमम पीरियड ऑफ फार्मिंग आता है फाइव ईयर के लिए और प्राइजिंग ऑफ फार्मिंग प्रोड्यूस ठीक है प्राइजिंग के लिए पहले ही गारंटेड प्राइस या प्राइज एश्योरेंस जो कॉन्ट्रैक्टर है वो आपको पहले ही दे, दे देंगे कि इतना प्राइस हम लोग चार्ज करेंगे इस आउटपुट के लिए सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए यहाँ पे थ्री लेवल डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म बनाया है कंसिलेशन बोर्ड सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एंड अपीलेट अथॉरिटी ठीक फोर्थ क्वेश्चन वेन वॉज एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2020 फर्स्ट एनेक्टेड फर्स्ट टाइम कब आया था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट तो फर्स्ट अप्रैल 1955 इसमें जो एसेंशियल कमोडिटीज है उनकी होल्डिंग के लिए या उनके स्टोरेज के लिए परमिशन नहीं थी लेकिन आपकी जो बिल है इसमें अमेंडेड हो गया है अब परमिशन है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं इनका भी स्टोरेज हो सकता है चलिए नेक्स्ट वन इज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी इज अस्टैब्लिस्ड बाय तो जितने भी ए पी मंडीज होती हैं इनको इस्टेब्लिश करती है या इनको मैनेज करती हैं स्टेट गवर्नमेंट ठीक ये स्टेट लिस्ट का क्वेश्चन है और स्टेट गवर्नमेंट ने इसको मैनेज करती है नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बारे में अवेयर आप होंगे एम एस पी स्टैंड फॉर ठीक है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है लेकिन कई बार इसमें कन्फ्यूजन होती है मिनिमम सिक्योर प्राइस है या मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस है क्या है तो so, ठीक है मिनिमम सपोर्ट प्राइस थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस की 1966, 1967 जब का ग्रीन रिवोलूशन जब से आया था ठीक है ये तब से ही ये जो कॉन्सेप्ट है ये ये एम एस पी का कॉन्सेप्ट है तब रईस हुआ था ठीक है सेंट्रल वगैरह जो प्रोवाइड करती है एम एस पी सो टोटल वीट के लिए जब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था तो फिफ्टी फोर था ठीक है और अभी अगर आप वीट की बात करें तो नाइन ट्वेंटी फाइव समथिंग है ठीक है वीट के प्रोक्योरमेंट प्राइस एम एस पी उसके बाद जो अभी भी टोटल एम एस पी में क्रॉप्स अंडर इसके आते हैं तो ट्वेंटी थ्री क्रॉप्स आते हैं एम एस पी के अंडर ठीक है ये डिफरेंट डिफरेंट ट्वेंटी थ्री प्रोडक्ट इसमें कुछ कॉमर्शियल क्रॉप्स भी हैं जैसे जूट कॉटन एंड शुगर केन वगैरह चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द मेन प्रोविजंस ऑफ द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020 कंसीडर द बिलो मैंशन स्टेटमेंट मतलब कौन सा बिल है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था बिल फर्स्ट ठीक है बिल वन एडवांटेज जैसे एडवांटेज दोनों ही किए थे इसके सो नंबर वन इसमें प्रोविजन है ट्रेड ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस बिल्कुल ठीक है इसका नाम ही यही है ठीक है जो जितना भी फार्मर्स का ट्रेड है उसको जितना ही फार्मर्स का प्रोड्यूस है उसका ट्रेडिंग नेक्स्ट में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के लिए ना इन्होंने ई नम मतलब इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ओपन किए गए थे ठीक है जो अभी बजट इस्टैब्लिश हुआ था 2021 का दैट इज 2021 का बजट उसमें भी थाउजेंड न्यू मंडीज ओपन करने का प्रोविजन है थ्रू ई नम नेक्स्ट वन इज मार्केट फी अबोलिश्ड अब मार्केट फी अबोलिश्ड इसका पार्ट है बिल वन का ठीक है करेक्ट है अल्टरनेटिव ट्रेडिंग चैनल्स ऑल्टरनेटिव ट्रेडिंग चैनल का मतलब ये है आपके जो ऑल्टरनेटिव हैं या आप एपीएमसी पी भी बेचो या फिर आप अदर ट्रेडर्स को बेच सकते हो ठीक है तो ऑल्टरनेटिव मार्केट आपके पास आ चुका है तो चारों ही ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हैं दैट इज़ ऑल ऑफ़ द अबव ठीक तो इसमें एक्सप्लेनेशन अगर हम करें तो ट्रेड ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस करेक्ट है ऑल्टरनेटिव फार्मिंग इसमें ऑल्टरनेटिव ट्रेडिंग चैनल्स हैं कहीं भी आप देख सकते हो एपीएमसी के बाहर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग्स हैं ई नम के थ्रू आप इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल से चेक कर सकते हो कि कहाँ प्राइस कितना चल रहा है मार्केट फी अबॉलिस्ड जितनी मार्केट फीस थी सेस थी वो सब अबॉलिस्ड हो गए अकॉर्डिंग टू दिस बिल क्वेश्चन नंबर एट कंसिडर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यू फार्म बिल तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं जो नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम में आ सकते हैं तो इसमें जो तीनों ही बिल हैं ठीक है बिल वन और ये बिल टू और ये बिल थ्री एसेंशियल कम्योडिटी एक्ट ठीक है बिल थ्री उसमें से जो फार्मर्स प्रोटेक्शन एक्ट है ये इसका पार्ट नहीं है ठीक है फार्मर्स बिल टू थाउजेंड ट्वेंटी का ये पार्ट नहीं है मतलब सी इसमें करेक्ट है इनकरेक्ट है चलिए नेक्स्ट वन नाइन्थ एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए एड किया हुआ है एग्रीकल्चर सेंसिस कंडक्टेड आफ्टर हाउ ईयर्स यू जी नेट में पिछले दो सालों में दो बार पूछ चुका है यही कि एग्रीकल्चर सेंसस कितने साल बाद होता है ठीक है तो एग्रीकल्चर सेंसस होता है एवरी फाइव ईयर के बाद तो जो फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस हुआ था वो होता है नाइनटीन में ठीक है सेवनटीन सेवेंटी में तो अभी जो नाइनटीन अभी जो टू थाउजेंड वाला था ठीक है ये टेंथ सेंसस था एग्रीकल्चर सेंसस अभी जो चल रहा है टू थाउजेंड ट्वेंटी वन चल रहा है ठीक है अब इसका बेस ईयर भी पूछ सकता है कि रेफरेंस बेस ईयर क्या है इसका तो जो रेफरेंस बेस ईयर है वो टू थाउजेंड फिफ्टीन सिक्सटीन ठीक है जो करंट अभी चल रहा है ट्वेंट दैट इज इलेवंथ एग्रीकल्चर सेंसस तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था टेंथ वन इज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज अ पार्ट ऑफ ठीक है लास्ट टाइम हमने तीनों ही बिल डिस्कस किए थे तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसका पार्ट था सेकेंड बिल का सो दैट मीन्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन वाले का द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइज एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी इसका पार्ट है ठीक है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ इज वन नेशन वन मार्केट इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बिल ठीक है तो वन नेशन वन मार्केट पार्ट है बिल वन का जो है द फार्मर्स प्रोड्यूस एंड ट्रेड कॉमर्स ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी का पार्ट है ओके नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व व्हाट इज द नॉट बेनिफिट ऑफ दिस एक्ट खैर यहाँ पे हम लोग राइट राइट आंसर टिक कर रहे हैं लेकिन अगर आपके माइंड में कुछ आ रहा है राइट आंसर तो पहले वीडियो पॉज कर लीजिए उसके बाद अपना राइट आंसर कमेंट भी कर सकते हो ठीक है इसमें से कौन सा इस बिल का बेनिफिशियल या फिर बेनिफिट नहीं है ठीक है बैरियर फ्री इंटर स्टेट एंड इंट्रा ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बिल्कुल ठीक है बेनिफिट है कहीं भी जाके बेच सकते हैं इंटर इंटर स्टेट या फिर इंट्रा स्टेट इट विल क्रिएट वन नेशन वन मार्केट बिल्कुल ठीक है वन नेशन वन मार्केट है इट विल क्रिएट वन नेशन वन मिनिमम प्राइस ये इसका रॉन्ग है ठीक है और एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन जितने भी इंटरमीडिएट हैं उनका एलिमिनेशन हो जाएगा इस बिल के थ्रू तो ये भी बिल्कुल ठीक है जो सी है यहाँ पे वो करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ओके क्वेश्चन नंबर थर्टीन मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज कंसिस्टेंटली इंक्रीज इन तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर आप देखोगे वीट और पैडी में कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ होता है ठीक है अभी भी सेवेंटी फाइव रुपीज़ का जो इंक्रीमेंट हुआ है वीट में फिफ्टी रुपीज हुआ इंक्रीज़ तो इसमें ना कंटिन्यूसली बढ़ते जाता है ये वीट और पैडी का और शुगर केन अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं शुगर केन थोड़ा सा कॉन्स्टेंट वे में बढ़ता है तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड ठीक है ए ऑप्शन जो है करेक्ट है नेक्स्ट वन इज कंसिडर दॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फार्मर्स फियर इन दिन द न्यू फार्म एक्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी अब फार्मर्स का क्या डर है एमएसपी विल स्टॉप सबसे पहला डर तो यही है कि कहीं एमएसपी खत्म ना हो जाए ठीक है दूसरा जो डर है वो ये है ए पी एम सी विल एंड कि जो ए पी एम सी मार्केट है जो एग्रीकल्चरल मंडीज़ हैं कहीं ये खत्म ना हो जाए दूसरा डर ये भी है बिग कंपनी विल एक्सप्लॉयड फार्मर्स इन द नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हो सकता है कि ये फार्मर का एक्सप्लोटेशन करे ठीक है ये मेन डर है फार्मर्स में तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है ये फियर है फार्मर्स में ठीक है तो ये तीनों ही जो ऑप्शन हैं वो करेक्ट हैं तो डी आंसर इसका करेक्ट है फिफ्टीन क्वेश्चन द एपी सेंटर ऑफ द फार्मर्स प्रोटेस्ट जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट है उसमें कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जो एपी सेंटर है जो मेन जो अभी स्ट्राइक या स्ट्राइक कह लो या फिर जो प्रोटेस्ट चल रो प्रोटेस्ट चल रहा है जो उसमें मेन स्टेट कौन कौन सी है पंजाब एंड हरियाणा मेन स्टेट है बाकी यूपी और यूपी भी है ठीक है मध्य प्रदेश भी है लेकिन जो मेजर एपी सेंटर है वो पंजाब एंड हरियाणा है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज़ आर मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में क्वेश्चन है ये जनरल क्वेश्चन एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में आ भी जाता है ठीक है क्वेश्चन इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज़ आर एम एस पी इज़ अ मिनिमम प्राइस गंटेड बिल्कुल ठीक है मिनिमम प्राइस है जो गारंटेड है कि मिलना ही है किसानों को इट इज़ नॉन स्टैचुट्री नेचर ठीक है ये नॉन स्टैचुटरी नेटन है क्योंकि स्टैचुटरी और नॉन में फर्क ये है स्टैचुटरी वो होता है जो किसी पार्लियामेंट के थ्रू या फिर किसी स्टेट लेजिस्लेशन के थ्रू एक्ट में परिवर्तित हो जाता है ठीक है और जबकि कोई गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं जो गवर्नमेंट ने फॉर्म किया है गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है बल्कि एक्ट नहीं बना है उसको हम बोलते हैं नॉन स्टैचुट्री ठीक है तो ये गवर्नमेंट ने तो बना दिया है लेकिन ये अभी भी नॉन स्टैचुट्री है कोई एक्ट नहीं बनाया एम एस पी पे लेकिन किसानों का जब मेन मुद्दा था यही था कि एम एस पी को एक्ट बनाया जाए ठीक है मतलब नॉन स्टैचुट्री से इसको स्टैचुट्री बनाया जाए मतलब इसका एक एक्ट बनाया जाए जिसमें स्पेसिफिक हो कि ये एम एस पी किसानों को मिलेगा ही मिलेगा ठीक है तो ये एक नॉन स्टैचुट्री है बिल्कुल करेक्ट है और द गवर्नमेंट थ्रू इट बाईज एट एम एस पी फॉर फ्रॉम फार्मर इसी रेट पर जो गवर्नमेंट परचेज भी करती है किसानों से तो तीनों ही जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हैं ठीक आपका क्या आंसर है पहले ही आप आंसर दे देना एक बार कमेंट में ठीक है एक बार क्वेश्चन पढ़ के चलिए सेवनटीन फार्मर्स कैन सेल फार्म प्रोडक्ट इन ए पी एम सी मंडी आउटसाइड बॉथ नाना दिब ठीक है तो इस बिल के अकॉर्डिंग आउटसाइड भी बेच सकते हैं और ए पी एम सी मंडी में भी बेच सकते हैं तो बॉथ मंडीज और आउटसाइड क्वेश्चन नंबर एटीन रिसेंटली गवर्नमेंट इंक्रीज इन एमएसपी ऑफ क्रॉप्स फॉर नाइनटीन ट्वेंटी सीजनस कितना इंक्रीमेंट हुआ है तो इसमें जो है राइट आंसर है फिफ्टी टू एटी फाइव परसेंट खरीफ के प्रोडक्शन में एम एस पी इंक्रीज हुई है और फिफ्टी टू वन हंड्रेड नाइन परसेंट फॉर रबी क्रॉप्स ठीक है एमएसपी इंक्रीज हुई है तो इस टाइप के क्वेश्चन स्टार कर लेना कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन वट आर द इशूज इन एग्रीकल्चरल एक्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी जो एग्रीकल्चर एक्ट है इसमें कौन कौन से इशूज हैं ठीक है नंबर वन इशू है एग्रीकल्चर एंड मार्केट्स आर मैं इन द स्टेट लिस्ट अगेंस्ट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ठीक है ये ना सेंट्रल लिस्ट का कोई सवाल नहीं है ये है स्टेट लिस्ट का लेकिन स्टेट लिस्ट का होने के बावजूद भी स्टेट से यहाँ पे कंसर्न नहीं किया गया कंसल्टेशन जो स्टेट की होनी थी ठीक है स्टेट से कोई कंसल्ट नहीं लिया गया या फिर कोई जो ओपिनियंस है स्टेट के नहीं लिए गए लेकिन फिर भी बिल पास हो गया ये इशू भी सबसे बड़ा आ रहा है ठीक है कॉपरेशन नहीं हुआ दोनों का स्टेट का और सेंट्रल का नेक्स्ट इट कैन ब्रेक इट कैन इंक्रीज ब्लैक मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस तो जितनी भी ब्लैक मार्केटिंग है वो बढ़ सकती है हो सकता है कि जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है जिसमें हम लोग एसेंशियल क्वांटिटीज को स्टोरेज कर सकते हैं ठीक है उसके कारण ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी स्टोरेज ज़्यादा कर लेंगे तो क्या होगा मार्केट्स में प्राइस बढ़ने शुरू हो जाएंगे ठीक तो ये वाली मार्क, ब्लैक मार्केटिंग का डर बिल्कुल है फार्मर्स ऑफ पंजाब हरियाणा एंड यूपी तमिलनाडु एंड अदर स्टेट्स आर अपोजिंग द एक्ट ठीक है ये सभी जितने भी हरियाणा पंजाब तमिलनाडु है अदर स्टेट्स हैं वो भी अपोज़ कर रहे हैं बिल का ठीक है ये भी करेक्ट है इट कैन इंक्रीज द फार्मर्स इनकम अगर फार्मर्स की इनकम ही बढ़ जाती तो वो इशू कहाँ रह गया तो वो तो पॉजिटिव बात है तो ये फोर्थ वन करेक्ट नहीं है बाकी सब करेक्ट है तो इसमें मेनली पूछ रहा है इश्यूज ठीक है मेनली इश्यूज पूछ रहा है कि इश्यूज क्या है तो फर्स्ट सेकेंड एंड थ्री फर्स्ट सेकेंड एंड थ्री जो है करेक्ट आंसर है ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द एग्रीकल्चर एंड मार्केट्स आर मैंशनड इन एग्रीकल्चर और ए पी एम सी मार्केट जो है वो किसके किस लिस्ट में आती है ठीक है अंडरस्टूड है दैट इज स्टेट लिस्ट बहुत बारी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है नेक्स्ट वन हाउ मेनी न्यू मंडीज़ अप्रूव्ड फॉर दैट इज़ इंटीग्रेशन अंडर ई नम ठीक है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के अंदर अभी जो है फोर ट्वेंटी वन न्यू मंडीज अप्रूव्ड की गई हैं लेकिन अगर हम बात करें बजट टू थाउजेंड बजट पे ही होगा जो हमारा नेक्स्ट एम होगा बजट 2021 ठीक है तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो अभी जो अप्रूवल मिला है वो मिला है थाउजेंड न्यू मंडीज को और ठीक है तो थाउजेंड न्यू मंडीज को मिला है चलिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट टू तो इसमें अगेन फार्मर प्रोड्यूस ट्रेस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट है मतलब बिल वन के बारे में बात कर रहा है द एक्ट अलाउज इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट ट्रेड ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस बिल्कुल ठीक है वो चाहे अपने स्टेट में बेचे या, या स्टेट से बाहर बेचे इट इज़ नॉट अलाउड द इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग ऑफ शेड्यूल्ड फार्मर्स प्रोड्यूस इन स्पेसिफाइड ट्रेड एरिया शेड्यूल्ड फार्मर क्या होता है जो लिस्टेड है दैट इज स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट में ठीक है उनको अलाउड नहीं होगा कि वो बाहर सेल करें ऐसा बिल्कुल नहीं है उनको भी अलाउड है कि वो बाहर बेच सकते हैं द एक्ट अबॉलिश्ड मार्केट फीस ठीक है मार्केट फीस जो है मार्केट फीस सेस वगैरह ये अबॉलिश्ड हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट है तो फर्स्ट एंड थ्री जो है वो बिल्कुल करेक्ट है फर्स्ट एंड थ्री क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री अकॉर्डिंग टू फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी मतलब कौन सा बिल बिल नंबर टू की बात हो रही है ठीक है इसके अकॉर्डिंग क्या है द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर अ फार्मिंग अग्रीमेंट बिटवीन अ फार्मर एंड बायर टू प्रायर एनी फार्म प्रोड्यूस पहली एक्ट इसमें पहले पहली ही अग्रीमेंट हो जाएगा जिसके अंदर स्पेसिफाइड होगा कि इतना अग्रीमेंट मतलब इस प्राइस पे हम लोग फ्यूचर में ये प्रोड्यूस खरीदेंगे यह प्रोडक्ट खरीदेंगे नेक्स्ट वन इज द प्राइस ऑफ फार्मिंग प्रोड्यूस शुड बी मैंशन इन द अग्रीमेंट तो कितना प्राइस मिलेगा ये भी पहले ही मैंशन होगा ठीक है प्री अग्रीड बिल्कुल ठीक है सेट अप अ बोर्ड फॉर डिस्प्यूट सेटलमेंट बिल्कुल ठीक है डिस्प्यूट सेटलमेंट हमने थ्री लेवल किए थे डिस्प्यूट के वो भी सेटअप होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट चांसेस हैं यहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं तो प्रिपेयर रहना इन क्वेश्चन के लिए तो तीनों ही यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट हैं ओके ट्वेंटी क्वेश्चन है okay, 24th अंडर बजट 2021-22 रिलेटेड टू एग्रीकल्चर तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं बजट 2021 में एग्रीकल्चर से रिलेटेड नंबर वन तो ये है एक्सटेंशन कवरेज ऑफ स्वामित्व स्कीम ठीक है स्वामित्व स्कीम आपने बजट में भी डिस्कस की थी बजट 2021 वाले में डिटेल में एनालिसिस किया था इसको स्कीम्स फॉर ऑल स्टेट्स बिल्कुल करेक्ट है उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ ऑपरेशन ग्रीन स्कीम्स ठीक है ऑपरेशन ग्रीन स्कीम्स आई थी जिसमें ट्वेंटी टू पैरिशेबल प्रोडक्ट्स एड थे ये भी हमने डिस्कस किया था बिल्कुल करेक्ट है एंड थाउजेंड मोर मंडीज टू बी इंटीग्रेटेड विद ई इनम ठीक है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से थाउजेंड और मंडीज क्या होंगी इंटीग्रेट होंगी ठीक तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है तो फर्स्ट सेकेंड एंड थ्री तो सी जो है अपना करेक्ट है ओके क्वेश्चन लास्ट है फार्मर्स कैन सेल फार्म प्रोडक्ट्स इन क्वेश्चन रिपीट हो गया वैसे ये ठीक है थीके? दोनों में ही मंडीज में भी और आउटसाइड भी चलिए ट्वेंटी फिफ्थ के तौर पे एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फिफ्थ ठीक है सो फार्मर सेल फार्म प्रोडक्ट बिफोर दीज रिफॉर्म्स ठीक है ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन रिपीट हो गया था तो ट्वेंटी फिफ्थ एज अ होमवर्क समझ लेते हैं तो ये वाला क्वेश्चन जो है इसका आप कमेंट में पोस्ट कर देना कि इसका आंसर क्या होना चाहिए ठीक है क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि फार्म बिल से पहले कैसे प्रोविजन थे ठीक है इजी क्वेश्चन है नेक्स्ट अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड एम ऑफ बजट टू ठीक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हो सकता है वो नेक्स्ट आपको एग्जाम में, में किसी न किसी वे में आ सकते हैं ठीक है थीके? अगर आप यू नेट की तैयारी कर रहे हो और मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन मॉक टेस्ट से करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना इसी ग्रुप में से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी और गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो डायरेक्टली ठीक है चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बजट 2020 के एम के साथ बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ थैंक यू